सीबीआई के लिए सीबीआई की तरफ से इंक्वायरी होगी। ये हमारा फटकर फरीद कपूर की अभी फटकर से बात चली गई है। मैडम ये पहुंचता तो है नहीं, हमें जवाब तो आता तो नहीं है। कुछ है पूरा स्पेशल नोट लिख देना कि प्लीज जवाब दे दे, जवाब आंसर दे। बहुत बढ़िया फिल्म मैडम, आज प्रदर्शन किया है ब्लॉक कांग्रेस ने, क्या था इसका उद्देश्य? आज का जो प्रदर्शन है ये हमारी जो नई अध्यक्ष बनी है प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने आदेश दिए थे कि हर ब्लॉक में एक धरना हो, जिसमें अभी जो धांधली हुई थी पेपर लीकेज की पुलिस की भर्ती की, उसके बारे में हमें लोगों को भी बताना है और एक आवाज उठानी है, क्योंकि बहुत जरूरी है। ये पेपर की लीकेज पहली बार नहीं होती, इससे पहले भी हुई। मुझे तो लगता है ये पेपर लीकेज की ही सरकार है और इनका तरीका लोगों को चुनने का यही है कि पैसे कमाओ, और जो बेचारे हमारे नौजवान जो बेरोजगार हैं, आज वो रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, उनको वैसे ही तड़पाते रहो। बड़े हैरानी की बात है कि 60,000 हमारे जो लड़के थे और कोई 15,000 हमारी जो लड़कियां थी, उन्होंने इस जो हमारा पेपर था इसमें शिरकत हुई, और आज उनको दुख हो रहा है। एक तो इतनी दूर गए पेपर देने, खर्चा हुआ, वहां रहने का खर्चा, और ऊपर से अभी ये बोला गया कि ये जो पेपर लीकेज हो गया है, हमने जो कल्प्रिट है उनको पकड़ लिया है और हम इस पेपर को फिर से कराएंगे। अब आप सोचो कि उन नौजवानों के ऊपर कितना बोझ पड़ेगा, उन्होंने कैसे कहां जाकर अपनी तैयारी की थी, अब फिर उनको तैयारी करनी पड़ेगी। आप उनको रोजगार देने के बजाय आप उनके ऊपर खर्चा ही डाल दें। और हमारे साथ दो नौजवान यहाँ पे हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं, यहाँ पर खड़े हैं। एक तो ये है शुभम, विकास और शुभम है, और ये दोनों इतने आज मायूस हैं कि हम सिलेक्ट हो चुके थे और आज एक सरकार की गलती के कारण हमें अपने आप बेइज्जत होना पड़ रहा है अपने गांव में घर में, और इतना जो हमने पैसा खर्चा था वहां जाने का और वहां पर सारा पेपर देने का, वो हमें फिर से करना पड़ेगा। मैं तो एक और मेरी दरखास्त थी कि एक कानून बनाया जाए कि जो कल्प्रिट पकड़े जाएं वो गैर जमानती नहीं छूटे, उनके ऊपर केस हो और कोर्ट में उनको ज्यादा से ज्यादा ऐसी गंभीर सजा मिले कि कल को कोई पेपर लीकेज ना करे। और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सीबीआई की इसकी इंक्वायरी हो। आपने एसआईटी तो बना दी, एसआईटी अपने ही लोगों की बनाई है, कोई पता नहीं कि सरकार अपने आप कितनी इसमें सम्मिलित है, तो कल को एसआईटी कितना खोज कर क्या निकालेगी, इस पर हमें संदेह है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी हो और इन बच्चों को जस्टिस मिले, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे हिसाब से हमारे जो नौजवान हिमाचल प्रदेश के वो बेरोजगारी रह जाएंगे। 3-4 महीने रह गए सिर्फ इलेक्शन के लिए, ये कब कब ऐसी बातें करेंगे और कब कब हमारे नौजवानों को रोजगार देंगे, ये बहुत ही एक प्रश्न चिन्ह है इस सरकार पर। और मैं समझती हूँ एक नारा जो यहाँ पे लगा था वो ठीक लगा था कि जयराम जी आप एक काम करो, कुर्सी छोड़ो और आराम करो। वाकई ये नारा बिल्कुल ठीक है और ये ठीक साबित होगा। धन्यवाद। धरना प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ, मेन मुद्दा हमारा था जो पुलिस भर्ती में धांधली हुई है और बाद में उसको पूरे के पूरा जो ग्राम था उसको रद्द कर दिया गया, तो उन बच्चों के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ है। जिन बच्चों की सिलेक्शन हो गई थी, कुछ एक मेरे को सुनने में आया है कि कुछ एक लड़कों की यानी कि शादी फिक्स हो गई, कुछ ने मोटरसाइकिल खरीद लिया कि मेरी नौकरी लग गई है चलो मैं किस्तों में भेज दूंगा, लेकिन उन लोगों का दिल बहुत मायूस हुआ जिनकी अब शादियां टूटने के कगार पे आ गई है। तो इस करके ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पुरजोर मांग करती है, आज हमने मेमोरेंडम भी दिया है कि उसमें लिखा है कि जो यानी कि आपकी धांधली हुई है इस पुलिस भर्ती मामले में, उसका या तो रिटायर्ड जज ऑनरेबल हाईकोर्ट के उससे इंक्वायरी कराई जाए या सीबीआई जांच करवाई जाए। एसआईटी की जो इंक्वायरी है वो हमारे को मंजूर नहीं है, और अगर सरकार नहीं मानती है तो ये धरना प्रदर्शन ऐसे चलता है। थोड़ा अलग से बोलना जो प्रोजेक्ट
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पे यहाँ पर हर ब्लॉक्स में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से धांधली हुई है, जिस तरह से पेपर लीकेज हुई है पुलिस भर्ती में, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें कम से कम कोई 1.25 लाख के करीब युवकों का भविष्य लटका हुआ है। पदों के लिए इसमें महिलाएं भी शामिल थी और युवा भी शामिल थे। 60 हज़ार के करीब तो युवाओं ने इस परीक्षा में ये अपनी भागीदारी और तो 14 हज़ार के करीब महिलाएं इसमें शामिल। तो आप अंदाज़ा लगा लो, कोई 1.25 लाख युवकों का जो भविष्य है वो सरकार ने ये धूमिल कर दिया। और जिस ढंग से ये सरकार की आदत बन गई है, जितने भी 4.5 वर्षों में जब से चाहे और विभागों में भी ये भर्तियां हुई है, उन सब के ऊपर शक की उंगलियां उठी है, हमेशा उठी है। 2020 में भी पुलिस भर्ती में ये धांधली हुई थी, बड़े स्केल पर धांधली। तो ये धांधलियों की सरकार है। भर्तियां इनकी कोशिश रही है कि अपने जो चहेते हैं उनको किसी न किसी तरह से बैकडोर से भर्तियां करवाई जाए, इस तरह के स्कैंडल करके उनका रास्ता खोला जाए, ये उनकी मंशा थी। और जहां तक इसका प्रश्न है, धर्मशाला में जो विधानसभा के बाहर खालिस्तान के झंडे लगे, तो ये मैं कहता हूं कि ये वार्निंग कई दिनों से आप सुनते आ रहे हैं, कई दिनों से खालिस्तान के सपोर्टर है, कई दिनों से ये वार्निंग दे रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर सरकार विजिलेंट नहीं है, और बड़े अफसोस की बात है कि छोटी छोटी दुकानों में भी कैमरे लगे हुए हैं,